अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही छोड़ नहीं दिया बल्कि इंसानों की जरूरियात भी पूरी की उन्हें रिस्क अता किया उन्हें जिंदगी बसर करने के असबाब भी फराहम किए सूरत अर-रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी खलकाकुम थुम्म रज़कुम थुम्म युमीतुकुम थुम्म युहयीकुम हल मिन शरा फिकुम मिन शई सुबह अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है फिर तुम्हें रिस्क दिया है फिर वही तुम्हें मौत देगा फिर वही तुम्हें जिंदा करेगा क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो इन कामों में से कुछ भी करे यानी जिंदगी दे और रिस्क दे या मौत दे वो पाक है और बहुत बुलंद है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं तो अल्लाह अल्ला ताला तालाक है और उसकी सिफत भी है यानी बहुत ज्यादा रिस्क देने वाला उसने आसमान और जमीन की तख़लीक के वक्त ही जमीन के अंदर मीशत और रिस्क के वो सारे सामान रख दिए थे जिसकी जमीन वालों को जरूरत थी यानी जब अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया तो सिर्फ इस प्लान को नहीं पैदा किया बल्कि इसके अंदर असबाब रिस्क भी पैदा कर दिए और जितनी भी मखलूकत पैदा की जो अनगिनत हैं हम गिन नहीं सकते यानी इंसान तो इंसान इंसानों के अलावा जिन्नात पर हैवानात चरिंदिंदे च्यूटिया कीड़े मकोड़े समुन्दर की मखलूक जो अनगिनत हैं जिनकी सिर्फ अकसाम ही अनगिनत हैं तो सिर्फ इनको पैदा नहीं किया बल्कि इन सबके रिस्क की जो जरूरियात थी वो भी जमीन के अंदर रख दी और फिर आप देखिए कब से ये जमीन बनी है और कब से इस पर हैवाना मौजूद है और वो हर रोज खा रहे हैं पी रहे हैं अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं यानी इंसान इंसान सोचे और अगर इसको शुमार करना चाहे गिनना चाहे गिनना तो आप गिन नहीं सकते आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हर रोज कितनी मखलूक क्या कुछ नहीं खा जाती और फिर अगले रोज फिर और फिर दिन में सिर्फ एक बार नहीं इंसान तो हैवानों से भी ज्यादा कई कई बार खाते हैं और अल्लाह ताला दे रहा है और दे रहा है और दे रहा रहा है है हजारों साल से ही सिलसिला चल रहा है। और वो सारे जमीन के अंदर है यानी ऐसा नहीं कि वो कुछ खा लिए तो फिर खत्म हो गए जैसे आप अपनी फ्रिज में से कुछ निकाल लें तो फिर दोबारा तो वो नहीं मिलेगा जो आपने निकाल लिया लेकिन अल्लाह की जमीन के अंदर जो कुछ है वो आप निकालते जा रहे हैं और फिर अल्लाह ताला दोबारा उनमें से पैदा करता चला जा रहा है नहीं एक ट्री जो आज हमें नजर आता है मालूम नहीं इसके पीछे कितनी ही चेन है ट्रीज की कि जिनका ये बच्चा है जो आज हमें नजर आ रहा है तो ये अल्लाह सुबहान तला ही की कुदरत है और उसकी ताकत है और उसकी प्लानिंग है इसीलिए हम जब रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहते हैं खालक पैदा उसने किया मालिक भी वही मुदबिर भी वही राही सिर्फ पैदा नहीं किया सिर्फ वो मालिक ही नहीं चीजों का बल्कि इनकी प्लानिंग भी करता है।, मुदब्बिर है और फिर उसके साथ साथ उसने इन सब के रिस्क का भी एहतमाम किया और रिस्क तो एक चीज है और भी तमाम जरूरियात काम का किया है सुरथुत में आता है ओमा जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं मगर उसका रिस्क अल्ला ही के जिम्मे है वो परिंदों को उनके घोंसलों में दरिंदों को उनकी घात में मछलियों को समुन्दर की तह में च्यूटियों को उनके बिलों में रिस्क फराहम कर रहा है और रिस्क का मालिक भी सिर्फ वो ही है सब कुछ उसके हाथ में है सब कुछ उसके अख्तियार में है वो जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और जिसको चाहता है नपा तुला देता है जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है इन बगैर हिसाब लेकिन बंदों के लिए हुक्म क्या है कि वो निकलें, रिस्क की तलाश करें अल्लाह से रिस्क तलब करें फब तक इन रिस्क व अबुदू सो तुम अल्लाह ही के यहां रिस्क तलाश करो और उसी की इबादत करो हैवानात रिस्क की तलाश में निकलते हैं परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं बिलों से निकलती हैं और इसी तरह बाकी भी अपने रिस की तलाश में सारा दिन मारे मारे फिरती है सुबह खाली पेट निकलते हैं अपने घोंसलों से परिंदे और रात को पेट भरे वापस लौटते हैं लेकिन पेट भरने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है और कोशिश और भाग दौड़ करनी पड़ती है जो वो सारे कर रहे होते हैं तो इंसान के लिए भी लाजिम क्या है कि अल्लाह को राजते हुए उसके साथ साथ कोशिश करे मेहनत करे भाग दौड़ करे और फिर उसके बाद उसकी इबादत के लिए भी वक्त निकाले परिंदों की तो तस्बी काफी है लेकिन इंसान को इबादत के मुख्तलिफ तरीके सिखाए गए हैं इस सिलसिले में आज की दुआ सूरत में अल्लाह तरमाते हैं علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين إسى ابن مريم نے کہا اے اللہ اے رب आसमान से एक खान उतार जो हमारे पहलो और पिछलों के लिए हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो और, हमें रिस्क अता और तू से राजिक है। इस आयत में ईसा सलाम के जमाने में एक खास वाक की तरफ इशारा है ईसीम ने जब लोगों को अल्लाह तला की तरफ बुलाया तो हवारी ने उस पर लबैक कहा आप परिमान लाए और ईमान में मजीद इतमान के लिए, इसा लिए सलाम से कहा कि क्या आपका रब ये कर सकता है उसमें ये कुदरत है कि हम पर आसमान से तैयार शुदा खाना उतारे यानी वैसे तो अल्लाह ताला जमीन से रिस्क दे ही रहा है तो हम चाहते हैं कि वो आसमान से हमारे लिए खाने के लिए रेडी टू ईट हमारे लिए खान उतारे पूरा दस्तर नीचे आए तो ईसा सलाम ने उन्हें इस मुतालबे से रोका और अल्लाह से डराया क्योंकि ये एक तरह का मुआजा था और मुआजा तलब करने के बाद अगर कोई शख्स अल्लाह तला की बात नहीं मानता तो फिर उसकी सजा बहुत सख्त है लेकिन ने अपने मुतालबे की तीन वजुहत बताई कि हम क्यों चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो एक ये कि हम फिक्र माश से आजाद होकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत करें दूसरे ये कि हमें यकीन हासिल हो जाए कि आप जो कुछ हमें कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है वो बिल्कुल सच है हकीकत है और अल्लाह वाकई हर चीज पर कुदरत रखता है और तीसरे ये कि जब वो दसर खान नाजिल हो तो फिर हम सब खुश हो जाए है के अल्लाह की तरफ से कुछ जो खाना आएगा तो उसका तो फिर क्या ही लुत्फ होगा और क्या ही उसका हिसाब होगा तो हम उस दिन को फिर खुशी का दिन बना लें हमारी ईद का दिन बन जाए और फिर हम आइंदा भी उस दिन को याद रखते हुए हर साल ईद मनाया करें जब उनका ये मुतालबा सुना तो ईसा सलाम ने निहायत आजजी के साथ अल्लाह रबुल्ज़त से दुआ की लोगों का ये मुतालबा अल्लाह सामने पेश कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ की कि लोगों को गैब से रिस्क अता फरमाए जो इनके अगलों और पिछलों के लिए एक यादगार खुशी का दिन बन जाए और ये ऐसा मुझा हो कि लोग अपनी आंखों से देख लें कि किस तरह आसमान से उतरा यानि वह ज़मीन के रिस्क से फिर मुख्तलफ चीज हो क्योंकि जमीन का रिस्क तो सब अपनी आंखों से देखते हैं जो कुछ जमीन पैदा करती है और जो समुन्दर से और से हमें रिस्क हासिल होता है लेकिन ये जो आसमान का रिस्क है ऑब्वियसली ये जमीन के रिस्क से मुख्तलिफ होगा तो इससे हमारा ईमान बढ़ जाएगा तो इसी सलाम ने अर्ज की कई सबन या रबना आप देखिए दुआओ में या अल्लाम आता है या रबना आता है यहां ईसा सलाम ने दोनों सीगे इस्तेमाल किए मुतालबा कबूल करके अल्लाह सुबह से पालने वाला है, है और इससे ये भी जाहिर होता है की ईसा सलाम अपने आप को ना अल्लाह समझते थे ना अल्लाह का बेटा और ना ही रब समझते थे बल्कि वो अल्लाह सुबहाना को या अल्लाह और या रब कह के पुकार रहे थे तो इससे क्या जाहिर होता है कि वो खुद रब नहीं थे और ना ही वो इसके कायल थे और ना ही वो किसी चीज में अपना कोई इख्तियार समझते थे और फिर ये भी देखिए कि हवारियों ने ईसा सलाम से ये क्यों कहा कि आप दुआ करें अगर वो उन्हीं को रब मानते होते तो उन्हीं से मांग लेते तो उनसे जब उन्होंने ये कहा तो इससे यह पता चलता है कि ईसी सलाम के मानने वालों के जहन में कहीं दूर पार भी ये ख्याल नहीं था कि सलाम अल्लाह का कोई हिस्सा है नउज़ बिल्ला या कोई बेटे हैं या किसी भी तरह उलूत का कोई मकाम रखते हैं वो उनको एक नबी के तौर पर ही समझते थे तो उन्होंने अल्लाह की तबूबियत का इस्बात किया या उस पर ईमान लाए पर कहा कि तकून लना ईदन अल अव्वल ना व आखिर ना ईद का लफ्ज आद यऊद से है लौट कर आना यानी वो खुशी जो बार बार आए हर साल पलट कर आए ये सालाना भी हो सकती है और हफ्ता वार भी मुसलमानों की दो ईदें सालाना हैं और एक हफ्ता वार है हुँ? इसके अलावा कोई और ईद साबित नहीं है जो हमने खुद से बना ली है वो कुरान सुन्नत से साबित नहीं है तो हम सालाना ईद तो अच्छी तरह मनाते हैं लेकिन अफसोस ये कि जुमे का एहतमाम कम से कम होता जा रहा है जुमे के दिन भी गसल करना चाहिए अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए तैयार होना चाहिए एहतमाम करना चाहिए यानी जुमे का दिन आम दिनों की तरह नहीं होना चाहिए यानी वो दिन हमारे लिए खास दिन है उसे खास दिन समझ ही उसमें सारे काम करें चाहे वो इबादत के हों या जो दूसरे काम हो और फिर आप देखिए कि उन्होंने कहा कि वो दिन हमारे लिए ईद का हो, हमारी पहली फर्स्ट जनरेशन यानी जो हमारे दौर के लोग हैं, वह आखिर ना और जो हमारे बाद में आएंगे वह आयत या का और तेरी तरफ से एक निशानी भी हो तेरी कुदरत की अलामत हो यानी ईसा की सच्चाई की अलामतों के वाकई अल्लाह के रसूल हैं और उन्होंने जो कहा वो सच कहा और फिर वर जुकना वह दुआबी है यानी इतना हिस्सा अगर इंसान पढ़ता है वर जुख ना व अंतरराज तू हमें अता कर हमें रिस्क दे और तू सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है और यहां पर हमें किसी मुशक्कत के बगैर अपने पास से रिस्क ता फरमा अब आप देखिए कि अल्लाह सुबह बेहतरीन राजिक है, यानी किस राजनीत से कि जो उसकी तरफ से रिस्क आता है वो अपनी कैफियत के एतबार से और कमियत के एतबार से बेहतरीन होता है यानी सबसे अफजल होता है और इंसानों ने उसकी जो शक्लें बना ली है प्रोसेस कर लिया उसको अपनी कैफियत के अतबार से बेहतरीन नहीं रहा क्योंकि इंसानों के लिए उस तरह फ़ायदा मंद नहीं आपने देखा होगा कि जो चीज़ें नेचुरली उगती हैं ग्रो करती हैं और जो फ़्रेश फूड आप सी से लेते हैं सी फूड होती है या कुछ या हम बाकी ग़ाओं के मुकाबले में ज़्यादा सेहतमंद होती खैरराजकिन और, और इसलिए भी खैरराज कहा गया अल्लाह ताली को कि लोग अगर अल्लाह ताली की नाफरमानी भी करें तो भी वो उनको अपना रिस्क देता है वो कुफर भी करे उसका इनकार भी करे उससे नाराज भी हो फिर भी रिस्क देता है लेकिन बंदों में से जो किसी को रिस्क देते हैं वो ऐसा नहीं करते हती के माँ बाप भी अगर देखते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते तो उनसे किनारा कश हो जाते हैं आप जहाँ जॉब करते हैं जॉब नहीं करें तो आपको कोई सैलरी नहीं देगा इंसानों का मामला ये होता है लेकिन अल्लाह सुबहन आप इबादत करें या ना आप नमाज पढ़े या ना आप रोजा रखें या ना वो आपको खाने को देता रहेगा तो इस दुआ से यह पता चलता है कि इंसान जब दुआ करे तो बहुत आजजी के साथ दुआ करे और अल्लाह ताला को उसके बेहतरीन नामों के साथ पुकारे अल्लाह मरबा ये दोनों नाम इकट्ठे भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी या रजाक या फता और फिर यह कि इंतहाई आजजी और इंकसारी रवैये में भी होनी चाहिए कि अल्लाह हम मोहताज है तू देने वाला है और फिर अल्लाह तला से बेहतरीन रिस्क मांगना चाहिए

मानवीय सम्राज यानी जिसको हम छू नहीं सकते जिसको हम जानते हैं समझते हैं महसूस करते हैं यानी इनटेंजेबल जिसको आप कह सकते हैं तो रिस्क दोनों तरह होता है टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी इसी तरह बाज़ ने ये कहा कि हर नेमत ही एक तरह से रिस्क है यानी जितनी भी नेमतें हमें मिली है वो सारी रिस्क है यानी सिर्फ माल ही रिस्क नहीं है बल्कि रिस्क का एक वसी दरवाज़ा है हर वो चीज जो अल्लाह ताला बंदों पर नेमतों की सूरत में इनाम फरमाता है जैसे माल औलाद हजबेंड अयाल, माँ बाप फिर इसी तरह सेहत मोहब्बत कबूलियत ये सारी चीजें रिस्क कहलाती और ये अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर में मुकर्रर कर दी गई हैं। यानी अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिस्क मुकर कर रखा है कि इसको कितना देना है तो इंसान के लिए फिर क्या लाजिम है कि अल्लाह जब दे तो फिर इंसान शुक्र अदा करे जैसे ऊपर मैंने किया कि नियमते में मिली है वो रिस्क है तो मोहब्बत भी एक रिस्क है फजर तायशा कहती है मैंने नबी सल्लाह वसलम की अजवाज में से किसी पर रश् नहीं किया सिवाय खदीजा रजियाल्ला के और मैंने हजरत खदीजा को नहीं देखा यानी उनको जमाना नहीं पाया वो फरमाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकरी जबा करते तो आप फरमाते कि इसका गोश्त खदीजा की सहेलियों को भेज दो वो कहती है कि एक दिन मैं गुस्से में आ गई मैंने कहा आप हर वक्त खदीजा खदीजा करते हैं और उसकी सहेलियों तक का ख्याल रखते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी फरमायादरुजिक मुझे खदीजा की मोहब्बत अता की गई है यानी अल्लाह ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली इंसान किसी को मरने के बाद सिर्फ मोहब्बत की वजह से याद रख सकता है कि जिसके साथ आपका कोई कल भी ताल्लुक हो और ये भी अल्लाह दिलों में डालता है कुरान मजीद में आता है इन लदी आमन आमसाती सैयदान बुद्दा बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेकमल किए रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत डाल देगा आप किसी से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करा सकते आप किसी के आगे रो पीट के उसके साथ गुस्सा करके उसकी मिन्नतें करके या उसको माल दे के या उसकी खुशामद करके आप उससे कहें आ मुझे मोहब्बत दें आ मुझसे मोहब्बत करें कभी भी नहीं कोई करेगा जब तक अल्लाह दिलों में मोहब्बत न डाले और अगर आपके लिए अल्लाह ने किसी के दिल में मोहब्बत डाल दी है तो ये इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये अल्लाह ने रिस्क दिया है मुझे क्योंकि मोहब्बत कहीं से खरीदी नहीं जा सकती अल्लाह ताला तलातेमी अन मल्ला अगर जमीन में जो कुछ है सारे का सारा भी आप खर्च कर दे, दे दे लोगों को आप उनके दिलों में मोहब्बत नहीं डाल सकते यानी ना ये माल से खरीदी जा सकती है और ना ही ये किसी मुतालबे से खरीदी जा सकती है और ना ही ये एहसान जता के और किसी को जलील करके या किसी को किसी तरह मजबूर करके मोहब्बत ली जा सकती है ये अल्लाह की देन होती है और जिसको अल्लाह दे वो ही मोहब्बत हासिल करता है और इसके पीछे भागना नहीं चाहिए भागना चाहिए अल्लाह की रज़ा के कामों में और ना इस बात की फिक्र करनी चाहिए मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है नहीं। कि नहीं क्योंकि कुछ बच्चों को सारी जिंदगी यही यकीन नहीं आता कि माँ मोहब्बत करती है शोहर मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं सारी जिंदगी शक में पड़ी रहती है कि बीमार पड़ जाती है बाज खबाती रिसेंटली किसी के बारे में जो पता चला कि उनका दिमाग चल गया सिर्फ इस बात पे कि हस्बैंड मुझसे वो मोहब्बत नहीं करता जो मुझे चाहिए और इसकी वजह से मिजरी दुनिया की हर नेमत है उसके पास लेकिन दर्जे पर किसी न किसी, किसी, किसी लेवल पर हर शख्स को ये शिकवा रहता है और इससे बाहर निकलना चाहिए क्योंकि इंसान इससे अपनी सलाहियत ही खो देता है इंसान की प्रोडक्टिविटी मारी जाती है जब इंसान लोगों की मोहब्बत का या तो दीवाना होता है और या वो उसका फकीर बन जाता है या उसको ये परेशानी लग जाती है कि कोई मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता क्योंकि इस परेशानी से इंसान को हासिल कुछ नहीं होता और फिर आप देखिए कि बाजुकात खुवान का मसला ये भी होता है कि उनके ऊपर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं पीरियड्स का मसला है बच्चों की विलादत का मसला है और कई तरह की परेशानियां बच्चों को दूध पिला रही है फिजिकल कंडीशंस कितनी बदलती जाती हैं जिसकी वजह से अमूमन वो ज्यादा अटेंशन सीकरस होती हैं तो ये जो अटेंशन सीकिंग है ये भी एक बीमारी है यानी इसमें भी आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया हुआ वो आपको अटेंशन दे तो आप खुश आपके अपने पास कोई चीज नहीं कि जिससे आप खुश हो सके भाई आपके अपने पास कोई चीज होनी चाहिए आप इंडिपेंडेंट हो क्यों किसी के गुलामी में पड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट हो आप अपने चाय के कप को एंजॉय करें आप अपने बुक रीडिंग को एंजॉय करें आप अपने घर के काम को एंजॉय करें आप मुख्तलिफ चीजों के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करके वहां से आप खुशी हासिल करें अपनी खुशियां अपने बच्चों के अंदर मत डाल दें कि बच्चे सामने होंगे तो मैं खुश होंगी और बच्चे नहीं तो मैं खुशी नहीं आप अपनी खुशियाँ मालो दौलत में नहीं डालें कि मेरे पास ढेर माल आएगा आर महीने तो फिर ही मैं खुश होंगी और अगर किसी महीने के ऊपर नीचे हो गया तो मेरी सारी खुशी चली गई चीजों के अंदर इंसानों के अंदर खुशियां नहीं ढूंढे और सबसे बड़ी खुशी तो खुद अल्लाह के जिक्र में है अल्लाह की याद में है अल्लाह की इबादत में है अल्लाह सुबह के दीन में है उस दीन के इल्म हासिल करने में है उस इल्म को सिखाने में है उसके रास्ते में निकलने को है क्या आपने किसी हदीस में सहाबे कराम में से किसी के बारे में यह पढ़ा था कि वो मरीज हो गए थे कोई मेंटल इलनेस थी वहां कोई इमोशनल इम्बे थे वहां कोई इन बातों पर लड़ाइया थी आपस में वहां हर गज नहीं क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग थे मैं जानती हूं मैं खुद एक औरत हूँ औरत इमोशनली वीक होती है मर्द के मुकाबले में लेकिन इसको अपनी वीकनेस ना बनने दें कॉन्फिडेंट हो हो अपने लिए जिंदगी में खुद चीजें तलाश करें कि जिस काम के लिए अल्लाह ने आपको बनाया आपकी जिंदगी में वो क्या मकसद होना चाहिए वो कौन सा काम ऐसा है कि जिसको करके आपको खुशी मिलती उसको पकड़ लें अगर वो जायज है और अल्लाह की हदूद के अंदर है और अल्लाह ताला की नाराजगी का नहीं मैं आपके लिए सजेस्ट नहीं कर सकती हर इंसान को अल्लाह तला ने मुख्तलिफ बनाया और हर इंसान किसी की जहनी जरूरियात तो और तरह की होती है किसी की और तरह सोच होती है कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कोई शायरी में बहुत अच्छा कोई लिटरेचर में बहुत अच्छा कोई किसी चीज़ में कोई किसी चीज में आप देखें आपकी स्ट्रेंथ क्या है अल्लाह ने आपको क्या दे के भेजा है तो उस चीज को तलाश करें अपने स्किल्स को डेवेलप करें अपने आप को स्ट्रांग करें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन कामों में इस्तेमाल करें क्योंकि इस पर इसार है आखरत के दर्जे का आज जया कर दिया ना अपना वक्त और अपनी सलाहियतें और अपनी जिंदगी क्योंकि बाज़ लोग तो फिर बीमार पड़ के कुछ करने के काबिल नहीं रहते और बाज लोग तो फिर न किसी इबादत के लायक और अपने आप को भी नहीं संभाल सकते फिर वो जिंदगी क्या जिंदगी है यानी आप देखें कि एक शख्स जो जेरी मरीज बन जाए अल्लाह हर एक को बचाए से उसकी कोई जिंदगी जिंदगी है वो कुछ भी करने के काबिल नहीं वो क्या जिंदगी जीता है इसीलिए हमें दुआ सिखाई गई कि अला में उमर से बचा यानी बुढ़ापे में भी जाके हमारा दिमाग ना खराब हो क्योंकि जब लोगों की उम्र ज्यादा हो जाती है हाफजा खत्म हो जाता है कुछ लोग के के मरीज हो कोई हो जाते हैं डमेंशिया जाता है एजिंग के साथ साथ होता है लेकिन कुछ लोग आप देखे माशा कल किसी ने मुझे किसी आलिम की पिक्चर भेजी कि ये पिछले फिफ्टी वन ईयर से इस मस्जिद में एक सेम मस्जिद हर साल पूरा कुरान सुना रहे हैं और उस पिक्चर में भी वो तरावी पढ़ा रहे थे कि इस साल भी वो 81 इयर्स के हैं और पूरा कुरान सुनाएंगे वो भी तो इंसान है उनको अल्लाह ने इतना स्ट्रांग आफसा क्यों दिया इस कुरान की बरकत से कि जब आपने सोच लिया कि मैंने साल के आखिर में ये काम करना तो आप पूरा साल तैयारी करेंगे ना तो मैं सोच रही थी कि कहां वो कहां हम हर साल कुरान सुनाना हाफजे से और इतना रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ एक काम करते चले जाना करते चले जाना ये है ना काबिल रश्क जिंदगी ये थोड़ी है कि आज रो रहे हैं कल सो रहे हैं परसों कुछ कर रहे हैं तरसो कुछ कर रहे हैं ना इधर के ना उधर के ना दुनिया के ना आखरत के ये तो अपने आप को जाया करना है तो हम में से हर शख्स ये देखे वल तंजुर नफसुम मा कदम हर शख्स देखे उसने अपनी कल के लिए क्या तैयारी की है दुनिया के कल के लिए भी और आखरत के कल के लिए भी उसका फ्यूचर क्या है क्योंकि हर इंसान को वही मिलेगा जो वो कर रहा है तो रिस्क की कई किस्में हैं और फिर जब हम रिस्क मांगे और जिस चीज की कमी हमें महसूस हो वो अल्लाह से मांग रहे बंदों के पीछे न जाए बंदों के आगे हाथ ना फैलाएं जैसे बंदे के आगे हाथ फैला के रोटी मांगना मना है ना या इंसान को जलील करता है ऐसे किसी के आगे हाथ फैला के मोहब्बत मांगना या और कोई चीज दुनिया की मांगना जो है वो इंसान की कदर को घटा देता है इंसान की वैल्यू कम हो जाती है लिहाजा अल्लाह से यह रिस्क मांगे इल्म भी रिस्क होता है रबनी इल्मा, ये रिस्क भी अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला अपने बंदों का रिस्क दो तरह का देता है एक आम रिस्क है जिससे हर नेक और फाजिर फायदा उठाता है इसमें इंसान हैवान जिन सब शामिल है सबको खाने को देता है बुनियादी बेसिक नीड सबकी पूरी हो रही है। और ये जिसमानी रिस्क है और ये अल्लाह ने तकसीम किया और हर एक को जिंदा रखने के लिए अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है क्योंकि जिंदगी का इसार इस पर है जिंदगी इस पर डिपेंड करती है कि ये रिस्क आपके पास हो रिस्क की दूसरी किस्म खास है ये अल्लाह ताला अपने अंबिया और अपने रसूलों के हाथ पर अपने बंदों में से जिसे चाहता है ये रिस्क अता करता है और ये ईमान और तोहेद का रिस्क है वो अपने रसूलों के जरिए जिसे चाहता है देता है अल्लाह ताला सिर्फ उसको अता करता है जो इसका हकदार है जो इसका तलबगार है जो इस पे शुक्र गुजार है क्योंकि अगर आप इसकी परवाह नहीं करते कि आप हिदायत के रस्ते पे गुमराही पे तो अल्लाह को भी परवाह नहीं तो जो इसको डिजर्व करता है और जो इस पे फिर शुक्र अदा करता है कि अल्हमद हदानी लिहाजा अल्लाह ने मुझे नियमत इस्लाम दी मैं शुक्रगुजार हूं इस पर तो अल्लाह तला तो बड़े फजल वाला है बहुत ज्यादा एहसान करने वाला है और जैसे दुनियावी रिस्क के लिए असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं ऐसे ही इस रिस्क के लिए ईमान और हिदायत के रिस्क के लिए भी इसबाब रिस्क भी मिले यानी ये नहीं कि दुनिया के रिस्क के लिए तो हम कोशिश करें और जब दीन का रिस्क लेना हो तो हम कहें अल्लाह तो बस हिदायत दे दे हम घर में बैठे ऐसे नहीं इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती और हमारी इस्लामी तारीख इस्लामिक हिस्ट्री हमारे सामने है कि किस तरह उलमा ने एक एक हदीस के लिए महीनों का सफर किया एक हदीस जानने के लिए और अपनी ज़िंदगियां खपा दी पैदल भी चले और सवारियों पर भी और लुटे भी और पिटे भी और गर्मी और सर्दी बर्दाश्त की और हर तरह की तकलीफ उठाई इस इल्म को हासिल करने के लिए उसके मुकाबले में हमने तो कुछ भी एफर्ट नहीं लगाई कोई कुर्बानी नहीं दी तो ईमान में इजाफे के लिए भी आपको निकलना पड़ता है कुछ काम करने पड़ते हैं उसके लिए भी इज्तिमा चाहिए होती है इल्म में इजाफे के लिए भी इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी कदर इज्जत और मोहब्बत में इजाफा तो उसके लिए भी आपको कुर्बानियां देनी पड़ती उसके लिए आपको बंदों की खिदमत करनी पड़ती इज्जत लेना चाहते हैं इज्जत देनी पड़ती है मोहब्बत लेना चाहते हैं मोहब्बत देनी पड़ती है यानी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया है गिव एंड टेक पहले गिव देने वाले बनो जब आपको मिलेगा ये इंसानी कोशिशों का हिस्सा है और बाकी उसके साथ साथ दुआ और अल्लाह आपसे अच्छी उम्मीद और याद रखिए सबसे बेहतरीन रिस्त तो जन्नत है सबसे बेहतरीन नेमत जन्नत है जो सबसे मुकम्मल सबसे अफजल सबसे मुआजस सबसे बुलंद सबसे ज्यादा कायम रहने वाला ऐसा रिस्क जो कभी खत्म नहीं होगा जिसकी राहतें और लज्जतें और नेमतें कभी भी खत्म ना होंगी और ये रिस्क मोमिनों के साथ खास है यह सिर्फ ईमान वालों के लिए है अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यमन बिललाह वयामल सालिहा يدखिल्हू जन्नता तज्री मिन تحتहा الانہار خالدین فیها ابدا قد احسن الله और जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वो उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं उनमें वो हमेशा रहने वाले हैं हमेशा हमेशा बिला शुबा अल्लाह ने उसके लिए अच्छा रिस्क बनाया है फिर ये बात याद रखिए कि रिस्क का मालिक भी सिर्फ अल्लाह है रिस्क की कुंजियां बस उसके पास है कुरान मजीद में आता है या लोगो अपने आप पर अल्लाह के एहसान को याद रखो क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक भी है जो तुम्हे आसमानों और जमीन से रिस्क दे कोई और भी है नो याद रखो उसके सिवा कोई इलाह नहीं फिर तुम कहाँ से धोखा खा जाते हो फिर इसी तरह रिस्क में जो कमी बेशी होती है अप एंड डाउन होता है मसलन कोई वक्त होता है आपके बस बहुत होता है फिर एक वक्त होता है कि वो सुकड़ने लगता है कम होने लगता है एक वक्त होता है आप अपनी जवानी की पीक पर होते हैं खूब मेहनत काम करते हैं बहुत कुछ होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है फिर आप रिटायर हो जाते हैं फिर आप बूढ़े हो जाते हैं फिर आप दूसरों के मोहताज हो जाते हैं तो ये जिंदगी में आमतौर पर ऊपर जाना नीचे आना ये सब देखते ही है जिंदगी के अप्स एंड डाउन जिनको कहते हैं आप लेकिन बात यह है कि आम दिनों में भी रिस्क चाहे जिसमानी रिस्क हो माल की शक्ल में हो या मोहब्बत हो इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं रिलेशन में भी अप्स एंड डाउन होते हैं यानी इंसानों के साथ जो मोहब्बत होती है हर वक्त एक जैसी नहीं हो सकती हर वक्त पीक पर नहीं हो सकती क्यों इसलिए कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता अल्लाह ने हमारे लिए जज्बात बनाए बड़े खूबसूरत है ये जज्बात लेकिन हर वक्त जज्बात में रहना नुकसानदेह है हर वक्त जज्बाती जिंदगी गुजारना नुकसानदेह फिर इसी तरह कुरान मजीद में आता है अल्लाह तो रिस्क अल्लाह रिस्क फराख कर देता है जिसके लिए चाहता है और तंग करता है बिल बिलहत दुनिया और वह दुनिया की जिंदगी पे खुश हो गए व मल हयात दुनिया फिल आखिरत मता हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में थोड़े सामान के सवा कुछ नहीं क्या अल्लाह ताला के पास कमी हो जाती कि वो हमारा रिस तंग कर देता नहीं ऐसा नहीं है लहू मकाली वर्त उसी के पास आसमानो जमीन की कुंजियां हैं जब सुतर मय उसकी अपनी हिकमत है उसकी तकसीम है जिसके लिए चाहता फैला देता है वह अकदर और तंग कर देता वो जानता है फैला देता है देखता है आजमाता है कितना शुक्र अदा करता है लिया बलू अनी अशुरा मकफुर अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया कि मुझे आजमा करता हूँ या कर देता है बहरहाल उसके पास तो खजाने हैं बल्ला ही खजावा के पास आसमान जमीन के खजाने हैं और उनमें से वो जिसको चाहे खूब नवाज सकता है और जितना चाहे दे उसके खजानों में कोई कमी नहीं आती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का दायां हाथ भरा हुआ है और दिन रात की फयाजी से उसमें कोई कमी वाकई नहीं होती क्या तुम देखते नहीं कि जब से उसने आसमान और जमीन पैदा किए तब से उसने कितनी फयाजी की है देर है देर लेकिन उसके दाएं हाथ में जो कुछ है उसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई यानी अता करने से उसके खजानों में कमी नहीं आती तो जब हम दुआ करें ना तो ये मैं आपको नॉलेज क्यों दे रही हूं और देने से कभी भी नहीं होती एक तो है ना कि आप किसी से वो कहता नहीं मैं नहीं दे सकता मेरे तो अपने लिए काफी नहीं इंसान इंसानों के साथ तो ऐसा मामला करते हैं क्योंकि वो उनके पास होता नहीं है वो खुद मोहताज है लेकिन अल्लाह तो मोहताज नहीं ना किसी का वो तो बादशाह है और उसके पास तो खजाने हैं और वो सिर्फ कौन कहेगा और आपके पास लग जाएंगे तो ये यकीन रखते हुए कि अल्लाह सुबहानुला के पास बहुत कुछ है अल्लाह तला फरमाते हैं मेरे बंदो अगर तुम्हारे अवलिन आखिरीन और, और जिनो इंस एक साफ चटियल मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे सारे जमा हो जाओ सब मांगे और मैं हर एक को जो वो मुझसे मांगे वो अता कर दू तो भी मेरे खजानों में कोई कमी वाकई नहीं होती मगर इतनी जितनी समंदर में सुई डालकर निकालने से पानी में कमी होती अल्लाह सुबह के खजाने आसमानों में भी हैं जमीन में भी है वह फिर समाये और फिर जमीन पर भी बेशुमार रिसोर्सेज हैं इंसान को चाहिए कि इंसान आगे बढ़े और कोशिश करे हाथों में पूछा गया मैं नहीं ना ताकुल तुम कहाँ से खाते हो कहा मैंने दिल्ला अल्लाह के पास से कहा गया क्या अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारे लिए दिनार और दिनम नाजल फरमाएंगे उन्होंने कहा क्या अल्लाह सिर्फ आसमान में ही है यानी उसके खजाने सिर्फ आसमान में है ये जमीन भी उसी की है और ये आसमान भी उसी का है अगर वो मेरा रिस्क आसमान से ना देगा तो जमीन से चला मेरे पास ले आएगा यानी वो कहीं से भी दे सकता है सारी मखलूक को दिखता कमजोर से कमजोर तरीन छोटी से छोटी चीज को भी वो रिस्क देता है मुंह भी नजर नहीं आता वो उनकी भी जरूरिया पूरी करता है और कसीर कहते हैं कि ये मशहूर है कि कब्बे के बच्चे जब निकलते हैं तो उनके पर्ों पर बाल सफेद होते हैं ये देख कर उनको बच्चों से नफरत होती है और वो भाग जाते हैं कुछ दिनों के बाद परों की रंगत स्याह हो जाती है फिर उनके माँ बाप वापिस आते हैं और उन्हें दाना वगैरह खिलाते हैं अल्लाह आलम इब्ने कसीर की तफसीर में किसी ने तजर्बा किया होगा इब्तदाई अयाम में जबकि माँ बाप उन बच्चों से मुतनफर हो के भाग जाते हैं और पास भी नहीं आते अल्लाह ताला छोटे छोटे मच्छर उनके पास भेज देता है वही उनकी किसाब बन जाते हैं कहाँ से वो देता है यानी इतने छोटे आप देखें कि अंडा ही कितना छोटा होता है और उसमें बच्चा कितना छोटा होता है और अल्लाह तला उनको भेज देता है जाओ उनकी जरूरत पूरी करो तो जो इन परिंदों को देता है जिनके माँ बाप छोड़ जाते या मारी जाते वो हमें नहीं दे सकता वो हमें जरूर दे सकता है कभी मायूस ना हो मायूसी कुफर है क्योंकि लोगों के पास जब रिस्क तंग होता है नहीं मिलता नहीं मिलता तो फिर बाजू का तो मायूसी की तरफ चले जाते अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखें कि अल्लाह ने आज तक खिलाया अल्लाह ने आज तक दिया आगे भी वही देगा और वो नाफरमानों को भी देता है हजरत इब्राहिम ने जब दुआ मांगी थी शहर अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिस्क दे जो इनमें से अल्लाह और योम आखरत पर ईमान लाए और अल्लाह ने क्या कहा था जिसने कुफर किया उसे भी मैं थोड़ा सा फायदा दूंगा अच्छा दुनिया में जब हम देखते हैं ना कि नॉन बिलीवर के पास बहुत कुछ है तो हम कहते हैं इनके पास इतना कुछ है इनको इतना ज्यादा क्यों दिया अल्लाह के नजदीक वो मच्छर के पार बराबर भी कुछ भी नहीं है जो अल्लाह के पास उसके मुकाबले में तो एक तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शख्स नमाज भी नहीं पढ़ता ये रोजा नहीं रखता ये फला नहीं करता और इसको फिर भी अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया वो ज्यादा नहीं है वो आपकी छोटी निगाह उसको ज्यादा देख रही है जो अल्लाह ने आपको इस इबादत के बदले में देना है अपने पास वो तो कहीं ज्यादा है उसके सामने तो सारी दुनिया का माल भी मच्छर के पर से ज्यादा नहीं है बहुत ही हकीर है तो दुनिया में अल्लाह ताला किसी को जो देता है वो बहुत थोड़ा है बनस्बत उसके जो अल्लाह के पसंदीदा बंदों को आगे मिलने वाला है शैतान भी अल्लाह से अपना रिस्क मांगता है इबलीस ने कहा मेरे रब तू ने अपनी सारी मखलूक का रिस्क वाज़े कर दिया मेरा रिस्क कहाँ है अल्लाह तला ने फरमाया हर वो चीज जिसपे मेरा नाम न लिया जाए वो बंदों के साथ शामिल हो जाता है